जो मुझे चैनल पर न्यू आए हैं, काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्ट मी एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय व्यूअर्स जो कि मुझे देखते रहते हैं और मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल सपोर्ट मी। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं मेरी बाकी राशियों की जो एनर्जीज़ हैं। मैं स्कॉर्पियो से शुरू करती हूँ। स्कॉर्पियो, तो फ्रेंड्स स्कॉर्पियो जो हैं उनके लिए मेरे पास जो कार्ड्स आए हैं वो आया है टू ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मुझे सबसे पहले मैं अगर पर्सनल रिलेशनशिप्स की बात करूँ तो ये बहुत ही खूबसूरत रिलेशनशिप है, एक सोलमेट का रिलेशनशिप है और एक प्योर सोल का रिलेशनशिप है। यदि आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो वो आपके सोलमेट हैं। ये एक ट्विन फ्लेम जर्नी का भी कार्ड हम इसे मानते हैं। तो हो सकता है कि कुछ लोग स्कॉर्पियोज में जो हैं वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, स्पिरिचुअल पाथ में हो, और ये एक बहुत ही डिवाइन कनेक्शन होता है, डिवाइन से बिल्कुल प्रोटेक्टेड कनेक्शन होता है। और उसके बाद मेरे पास फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, तो फाइव ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये बता रहा है कि मे भी हो सकता है कि रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कुछ हो सकता है स्ट्रगल्स चल रहे हैं, तो उसके लिए आपको जो है कुछ लोगों को, कुछ नेगेटिव जो व्यक्ति हैं आपकी लाइफ में जो कि आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि वो इस रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स आपको उनको छोड़ना होगा या वो आपको खुद छोड़कर चले जाएंगे। और उसके बाद मेरे पास एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो उसके बाद जो भी होगा इस रिलेशनशिप में गॉड उसका सपोर्ट करेंगे और कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी या कुछ न्यू इस रिलेशनशिप में होने की भी संभावना मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और फाइव ऑफ पेंटिकल्स थोड़ा सा हेल्थ का इशू भी बताता है, तो स्कॉर्पियो से अगर आप में से किसी को कुछ थोड़ा हेल्थ का इशू हो रहा है तो आपको इस वीक में आपको अपनी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, थोड़ा फिटनेस के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। और स्कॉर्पियो अगर मैं जॉब या बिज़नेस के रिगार्डिंग बात करूं, करियर से रिगार्डिंग बात करूं, तो मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है कि कोई न्यू ऑफ़र मिल सकता है, पार्टनरशिप हो सकती है किसी के साथ बिज़नेस में आपकी, तो जो भी पार्टनरशिप होगी या जो भी न्यू आपको जॉब मिलेगी उसमें गॉड का पूरा सपोर्ट होगा और निश्चय ही आपकी आपको जो है उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। तो आप ज़रूर कोशिश कीजिए, यदि आपको इस वक्त जॉब में या बिज़नेस में प्रॉब्लम हो रही है तो कुछ ना कुछ न्यू ऑफ़र आपकी तरफ आने वाला है। तो फाइव ऑफ पेंटिकल्स बिज़नेस के लिहाज से या जॉब के लिहाज से मुझे ये बता रहा है कि आपको सेविंग्स करने की ज़रूरत है और थोड़ा सा अपने मनी के कहाँ पर स्पेंड कर रहे हैं, किसे दे रहे हैं या किस तरह से आप उस मनी का यूज़ कर रहे हैं वो देखने की ज़रूरत है और थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है मनी के रिगार्डिंग भी। और उसके बाद जो भी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं जॉब में, बिज़नेस में, तो गॉड का पूरा सपोर्ट होगा उसमें और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो एंजल्स नंबर मेरे लिए आपके लिए मेरी तरफ से 333 आया था डिवाइन की तरफ से। तो योर हार्ट फेल्ट वर्ड्स एंड इंस्पायर्ड विजन कैन ब्रिंग ग्रेट चेंजेस टू यू एंड इज अराउंड यू। तो फ्रेंड्स जो हैं चेंजेस आप ही के अराउंड अभी चल रहे हैं, तो आप मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं और चीज़ों को अपनी तरफ पॉजिटिव वे में ला सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि सेजिटेरियस के लिए हमारे पास क्या एनर्जीज आएंगी। पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स सेजिटेरियस मुझे ये बता रहा है
कि आपको लाइफ में बैलेंस करने की ज़रूरत है, पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, बैलेंस करने की ज़रूरत है। कोई न्यू अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है और थोड़ा सा मेच्योरिटी लेवल के साथ सोचने की ज़रूरत है, चाहे वो पर्सनल लाइफ को लेकर कोई प्रॉब्लम है या कोई भी बातचीत है या किसी भी तरह का मैटर है, उसको मेच्योरिटी के साथ सोचने की ज़रूरत है। इमेच्योर वे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है इस वीक में। और उसके बाद वैसे तो हमें इमेच्योर वे में बिल्कुल भी किसी भी वीक में या किसी भी टाइम में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि चीज़ें जो हैं वो मेच्योरिटी के साथ ही हैंडल की जा सकती हैं। दूसरा जो मेरे पास कार्ड आपके लिए आया है वो आया है सिक्स ऑफ पैंटिकल्स का। तो सिक्स ऑफ पैंटिकल्स मुझे ये बता रहा है कि आपको लाइफ में बैलेंस करने की ज़रूरत है, पर्सनल लाइफ हो प्रोफेशनल लाइफ हो, दोनों ही चीज़ें मुझे ये बता रही हैं। और पेज ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये बता रहा है कि आपको थोड़ा मेच्योरिटी लेवल के साथ और एक पॉजिटिव वे में सोचते हुए आगे बढ़ना है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपका वेट कर रही हैं, बस आपको बैलेंस रखने की ज़रूरत है लाइफ में चीज़ों में, कि किस तरह से बैलेंस मेंटेन किया जाता है। यदि आप किसी को कोई पैसा दे रहे हैं तो ये भी देखने की ज़रूरत है मनी देते समय कि क्या उसे इस मनी की रियल में नीड है या फिर वो उसे इसकी ज़रूरत अभी नहीं है, ये देखना बहुत ज़रूरी होगा। और अगर मैं पर्सनल लाइफ के रिगार्डिंग बात करूं तो भी चीज़ों को मेच्योरिटी लेवल से सोचने की ज़रूरत है और उनमें बैलेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद मेरे पास 999 आपके लिए आया था सेजिटेरियस। दिस इज़ द एंड ऑफ लॉन्ग कार्मिक साइकिल एंड अ चैप्टर इन योर लाइफ। यू हैव लर्नड योर लेसन्स एंड नाउ इट इज़ टाइम फॉर यू टू मूव। सो फ्रेंड्स, हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोगों के कार्मिक साइकिल्स चल रहे थे और वो नाउ एंड हो चुके हैं। अब आपको अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव वे में लेते हुए मूव ऑन करने की ज़रूरत है। सो ये थी हमारे पास लिए रीडिंग। तो अभी हम देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न्स के लिए क्या आया है। द एम्प्रेस, द सन, थ्री ऑफ पैंटिकल्स। तो कैप्रिकॉर्न, मेरे पास जो सबसे पहले कार्ड आया आपके आपके लिए द एम्प्रेस, द सन और थ्री ऑफ पैंटिकल्स। अगर मैं पर्सनल रिलेशनशिप्स को लेके बात करूँ तो इस टाइम जो एनर्जीज आपकी चल रही हैं वो बहुत अच्छी हैं। द एम्प्रेस मीन्स एक बहुत ही अबंडेंस वाली, फुल अबंडेंस है, ऊपर से बहुत ही नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग टाइप का इमोशंस आपके अंदर अभी हैं और आप जो हैं वो चीज़ों को बहुत ही बैलेंस तरीके से, बहुत ही खुश मिजाजी के साथ आप देख रहे हैं चीज़ों को पॉजिटिव वे में। और यदि आपकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो थ्री ऑफ पैंटिकल्स हमें ये बता रहा है कि आप अपने किसी फ्रेंड से, किसी जो आपके ट्रस्ट वर्थी हैं, आप उनसे कुछ सलाह ले सकते हैं। आप उनसे कह सकते हैं कि थोड़ा सा आप चीज़ों को बैलेंस करने में या इन रिश्तों को पॉजिटिव बनाने में आप उनकी कुछ सलाह ले सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, या उनसे ये कह सकते हैं कि वो आपकी हेल्प करें। पर ये वही व्यक्ति होंगे जो आपके ट्रस्ट वर्थी हैं, दैट इज़ द मेन थिंग। और अगर मैं देखूं तो इस रिलेशनशिप में कुछ न्यू आने वाला है, कुछ न्यू होने वाला है, कुछ लोगों की हो सकता है कि कुछ न्यू ऑफर मिले या कुछ न्यू बिगनिंग हो। तो कुछ सन जो है वो हमें ये बताता है कि न्यू बिगनिंग, और आप बहुत ही
खुश हैं, बहुत ही अपनी लाइफ को एक तरह से इंजॉय कर रहे हैं और बिल्कुल बच्चे की तरह आप खुश नज़र आ रहे हैं इस वीक में। बहुत ही बढ़िया एनर्जीज आई हैं इस वीक वक्त कैप्रिकॉर्न्स के लिए। और अगर मैं प्रोफेशनल वे में बात करूं तो भी हो सकता है कि थ्री ऑफ पेंटिकल्स को लेके कि अगर आपको किसी बिजनेस को में अगर कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जॉब में कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मिल रही है और आप थोड़ा कंफ्यूज हैं कि मैं इस अपॉर्चुनिटी को लूँ ना लूँ, तो आप अपने किसी ट्रस्टवर्थी पर्सन से कुछ सजेशन ले सकते हैं, कुछ एडवाइस ले सकते हैं कि क्या ये प्रपोज़ल या ये न्यू जॉब बिजनेस जो भी है वो मेरे लिए सही है या नहीं है, या डिसीजन तो आप ही को लेना है, लेकिन आप किसी ट्रस्टवर्थी से किसी फ्रेंड से सलाह ज़रूर ले सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, अपने किसी बड़े बुज़ुर्ग से या अपनी फैमिली के किसी बड़े एल्डर से आप सलाह ले सकते हैं। और उसके बाद जो है बिजनेस में जॉब में भी बहुत अच्छा चल रहा है और फुल ऑफ अबंडेंस है द एम्प्रेस, और न्यू कुछ ऑफर भी मिल सकता है, न्यू बिजनेस करियर के हिसाब से और पर्सनल लाइफ के हिसाब से ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही गुड एनर्जीज है और कैप्रिकॉर्न बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। उसके बाद मेरे पास आपके लिए 555 आया था, तो 555 हमें क्या बता रहा है कि यू हैव बीन होल्डिंग ऑन टू योर रूटीन बट इट इज़ टाइम फॉर सम एडवेंचर, सोशलाइजिंग एंड टेकिंग रिस्क। सो फ्रेंड्स, कैप्रिकॉर्न के लिए ये एंजल्स का मैसेज है कि आपका जो टाइम है वो एडवेंचरस लाइफ का टाइम आ गया है। सोशलाइज कीजिए अपने आप को, न्यू फ्रेंड्स बनाइए, न्यू फ्रेंड्स के साथ घूमिए फिरिए, थोड़ा सा रिस्क लीजिए लाइफ में, जॉब में, बिजनेस में, तो एंजल्स आपका सपोर्ट करेंगी। तो ये थी हमारी कैप्रिकॉर्न्स के लिए एनर्जीज। सो लेट्स मूव ऑन एक्वेरियस। एक्वेरियस मेरे पास आपके लिए द डेविल एंड क्वीन ऑफ वांड्स आया है। तो अगर मैं पर्सनल लाइफ के रिगार्डिंग बात करूं तो हो सकता है कि जो ये रिलेशनशिप है वो उसमें कुछ एडिक्शंस की वजह से ये रिलेशनशिप टिका हुआ है। हो सकता है कि फिज़िकली चीज़ें कुछ ज़्यादा है रेदर देन द इमोशनल थिंग्स। अभी राइट नाउ मैं इस वीक की बात कर रही हूँ, मार्च के महीने की, तो मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है या फिर इस एडिक्शंस की वजह से कुछ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर्स को किसी तरह के एडिक्शंस हों, जस्ट लाइक अ स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, गैम्बलिंग, और थर्ड पार्टीज़ भी हो सकती हैं, तो इस वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और क्वीन ऑफ वांड्स मुझे ये बता रहा है कि क्वीन ऑफ वांड्स की जो एनर्जीज होती हैं वो फुल ऑफ अबंडेंस तो है और एक पर यहाँ पर कुछ छुपी हुई चीज़ें हैं, कुछ हाइड की हुई चीज़ें हैं, कुछ हाइड की हुई एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं। और अगर मैं प्रोफेशनल वे की बात करूँ तो भी द डेविल एक डोमिनेट करने वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। यदि आप किसी जॉब में हैं तो हो सकता है कि आपके जो बॉस हैं या आपके जो कलीग्स हैं वो आपको कुछ डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हों जॉब में या बिजनेस के रिगार्डिंग, कुछ इस तरह की एनर्जीज आ रही हैं, कुछ नेगेटिव एनर्जीज दिखाई दे रही हैं एक्वेरियस इस वीक में। तो अगर मैं क्वीन ऑफ वांड्स की बात करूं तो रिगार्डिंग करियर तो फुल ऑफ अबंडेंस तो नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हाइड की हुई नज़र आ रही हैं। और मेरे पास एंजल नंबर जो है वो 222 आया था, तो 222 जो है
अलाउ योरसेल्फ टू क्रिएट विद ब्यूटी एंड सेल्फ लव रदर देन फोर्स. आप चीज़ों को फोर्स कर रहे हैं, आप चीज़ों को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें अपने आप टाइम पर हो जाएंगी. लेकिन आपको थोड़ा सा इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलने की ज़रूरत है और चीज़ों को पॉजिटिव वे में देखने की ज़रूरत है ताकि आप एक पॉजिटिव वे में मूव ऑन कर पाएं. तो चलिए आगे देखते हैं हमारी लास्ट की राशि पाइसेस क्या आया है. पाइसेस आपके लिए मेरे पास बहुत सारे कार्ड जंप आउट कर गए थे, तो उसमें से 3-4 कार्ड जंप आउट कर गए तो मैंने ले लिया था. सो फ्रेंड्स, मेरे पास सबसे पहले जो कार्ड आया है वो आया है 8 of Wands का. तो 8 of Wands मुझे ये बता रहा है कि अगर हम पर्सनल लाइफ के रिगार्डिंग देखें तो जो है कम्युनिकेशन आने वाला है किसी से. अगर आपकी बातचीत नहीं हो रही है तो वो बातचीत जो है वो शुरू हो जाएगी इस मार्च के मंथ में. और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकती हैं अगर मैं जॉब के लिहाज से देखूं या बिज़नेस के पर्पज़ से देखूं. और टेम्परेंस मुझे ये बता रहा है कि आपको लाइफ में बैलेंस करने की ज़रूरत है, जो कि वो आप कर रहे हैं. मुझे यहाँ पर इस कार्ड से एनर्जी मिल रही है. और जो है आप जो है आपकी हीलिंग भी हो सकता है चल रही होगी, क्योंकि टेम्परेंस जो है वो हमें हीलिंग का कार्ड भी होता है. एक बहुत ही अच्छी एनर्जी है जो डिवाइन से प्रोटेक्टेड है. तो आप चीज़ों को लाइफ में बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं और ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है. और उसके बाद द फूल मुझे ये बता रहा है कि लव लाइफ हो या आपकी करियर से संबंधित हो, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मिल सकती है. बस थोड़ा सा लाइफ में चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है. और उसके बाद मेरे पास ये बहुत ही सुंदर कार्ड आया है 6 of Cups का. तो 6 of Cups मुझे ये बता रहा है कि कोई लव लाइफ में कोई न्यू प्रपोज़ल मिल सकता है, या आपको किसी पर्सन ने पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, वो आपको प्रपोज़ नहीं कर रहे थे तो वो अभी आपको इस मार्च में हो सकता है कि प्रपोज़ कर सकते हैं. और इस कार्ड में एक मीनिंग और है कि यदि आपके मदर से कुछ इश्यूज़ हैं तो उसको सॉल्व कीजिए, उनकी ब्लेसिंग्स लीजिए. अगर इशू नहीं भी हैं तो अपने बड़ों की ब्लेसिंग्स लीजिए और उनके आशीर्वाद से पॉजिटिव वे में आगे शुरुआत कीजिए. बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज़ हैं पाइसिस के लिए इस वीक में. और मेरे पास एंजल नंबर भी 111 आया है, जो कि एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कार्ड होता है, नंबर होता है सॉरी. दिस नंबर ब्रिंग्स यू द अर्जेंट मैसेज दैट योर थॉट्स आर मैनिफेस्टिंग इंस्टेंटली, सो कीप योर माइंड सेट फोकस्ड, ओपन योर डिसीजंस. तो अभी जो है कुछ पाइसेस जो है वो स्पिरिचुअल पाथ में है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, इसीलिए मेरे पास टेम्परेंस का कार्ड भी आया है. तो बहुत ज़रूरी है कि जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो पॉजिटिव हो आपके लिए, दूसरों के लिए और आपकी लाइफ के लिए. तो फ्रेंड्स, ये थी हमारे पास वीकली एनर्जीज स्कॉर्पियो टू पाइसेस के लिए. और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी. काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड स्टे हैप्पी, स्टे फिट ऑलवेज. और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे मेरे FB इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं, दीपिका मेडिटेशन पावर. YouTube पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई. थैंक यू वेरी मच.